आईपीएल 2024 के सातवें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस को 63 रन से हरा दिया। सीएसके के इस सीजन में लगातार दो मैच जीतने वाली पहली टीम है। तो चलिए जानते हैं क्या था गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच का मैच का हाल। इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनका ये फैसला सही साबित हुआ। इस मैच में सीएसके के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहले रचिन रविंद्र ने 20 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों के साथ 46 रन बनाए। इसके अलावा शिवम दुबे ने सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक जमाया और 51 रन की तेज तरार पारी खेली। वहीं कप्तान गायकवाड़ ने 46 रन का योगदान दिया, जिसकी बदौलत सीएसके ने गुजरात के सामने 207 रनों का लक्ष्य रखा। अगर बात करें गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की तो उनकी तरफ से राशिद खान ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। वहीं साई सुदर्शन, मोहित शर्मा और स्पेंसर जॉनसन को 1-1 विकेट मिले। सीएसके के 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से रिद्धिमान साहा ने कुछ बाउंड्री मारे, लेकिन शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर तीसरे ओवर में दीपक चाहर का शिकार हो गए। फिर साहा भी 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद विजय शंकर के बल्ले से भी 12 गेंदों पर 12 रन ही निकले। उसके बाद डेविड मिलर 16 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए, तो टीम का स्कोर 12वें ओवर में 96 था। उनका विकेट गिरने के बाद रनों का सिलसिला जैसे थम गया। इसके बाद साहित सुदर्शन ने 31 गेंदों में 37, जबकि अजमतुल्ला ने 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लत गए। अंत में गुजरात की टीम 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी और इस मैच को 63 रनों से हार गई। इस मैच में मैन ऑफ द मैच शिवम दुबे रहे, जिन्होंने 30 गेंदों में ही 51 रन बनाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें।